जो कि देखिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त भीड़ है, गए हैं कुछ दूरी और है, चढ़ रहे हैं सब बाबा का स्थान पर जाने के लिए और बहुत ही रिक्स है। मस्जिद के गेट के पास आ जाए चौराहों के, और आप लोग को जो भी मांगना है मांग सकते हैं, मांगने वाला पेड़ है जो कि यहीं पर सब मांगते हैं मन्नत अपना। देखिए भाई, धीरज भाई ने बोला कि मेरे पैर को थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए, सही हो जाएगा, इसलिए हमारे अभिनव भाई ने कुछ उनको देखिए किया, ये गांव वाला उपाय कर रहे हैं, देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे इससे क्या होता है, इनके पैर का मोच खत्म कर रहे हैं, इससे पैर का मोच खत्म हो जाता है। हाँ। अरे काय दियाती वाला कार कर रहा भाई, ठीक हो गया, चल के देखिए लग रहा टूट गया, ठीक हो गया। देखिए उनके पैर में अभी थोड़ा हल्का फुल्का है और यहाँ से उतरने के बाद दवा वाले लेंगे उसके, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में आपको थोड़ा चेंजिंग मिलेगा। और हमारे फिर धीरज भाई ब्लॉग के लिए तैयार हो गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर देखिए ब्लॉग के लिए, और भाई लीजिए आप ब्लॉग शूट कीजिए, धीरे धीरे चलना सीखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ रहे थे, तब तक थोड़ा बहुत वो जो चढ़ाव था तो वहाँ से थोड़ा पैर फिसल गया था और थोड़ा बहुत चोट लग गया था। दोस्तों आ गए हैं, कुछ दूरी और है और उसके बाद बाबा का स्थान आ जाएगा, देखिए सब चढ़ रहे हैं सब बाबा का स्थान पर जाने के लिए और बहुत ही रिक्स है दोस्तों, देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों अभी कुछ दूरी बाकी है जो कि देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्स भी है। यही मदार बाबा का मंदिर है, देखिए दर्शन कर रहे हैं सब भक्त और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन भी लगा है, देखिए और आप लोग को जो भी मांगना है मांग सकते हैं। मन्नत मांगने वाला पेड़ है जो कि यहीं पर सब मांगते हैं मन्नत अपना। तो आप लोग यहाँ पे जब भी आइए थोड़ा संभल के आइएगा और इस पहाड़ पे चलने के वक्त थोड़ा आप संभल के चलिएगा, अगर जब भी आएगा तो, लेकिन यहाँ पे एकदम जूता वगैरह एकदम ज़्यादा वजन वाला मत लीजिएगा, एकदम थोड़ा वाला एकदम हल्का वाला लीजिएगा जो कि चलने में आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो हम लोग थोड़ा बहुत चोट लगा है लेकिन फिर भी थोड़ा इस टाइम अभी अंकित जो कि इसके पहले देखे होंगे कि अभी पैर हमारा थोड़ा बहुत सही हो गया है। तो आइए चलते हैं आगे भी दिखाते हैं, अभी हम लोग पाँच छः लोग, चार लोग इधर हैं और बाकी छः लोग उस साइड चले गए हैं, तो आपको दिखाते हैं जब वो लोग मिलते हैं। तब तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जब यहाँ पे आए थे हम तो यहाँ पे झोपड़ी वगैरह नहीं था, लेकिन अब बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी इतना ज़्यादा हो गया है अब झोपड़ी वगैरह 2 रुपये कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये झोपड़ी वगैरह, तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ और उन लोगों के पास। निकलो जल्दी से फास्ट। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ से मदार बाबा का स्थान वही एकदम नज़दीकी में, यहाँ से होती है मदार बाबा का स्थान शुरू। तो अभी हम आपको मदार बाबा का स्थान में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। ना भाई ऊपर गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मेला है और यहाँ पे लोग अभी अपना नया भरा ना है, मेला कम से कम 4-5 दिन बाकी है अपने आप। और वासी कुछ बोलोगे? नहीं कुछ, वासी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो वीडियो में आएगा लेकिन कुछ कुछ बोलेगा नहीं, काले वो जड़े उठे हमने ऐसे ले बा 10 रुपये का दीजिएगा, घूम के बहुत करना पड़ता है। अंकल खाना। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा के मदार के स्थान और यहाँ पे नज़दीकी में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मेला वगैरह सब कुछ, यहाँ पे अगर चादर वगैरह चढ़ाते हैं आप तो यहाँ से चादर वगैरह ले सकते हैं और यहीं पे जो कि देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के तो दोस्तों अभी हम लोग मेला में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे भाई लोग मिल चुके हैं और शायद अभी 2-3 लोग और बाकी चादर चढ़ाने गए, चादर चढ़ाने गए हैं और चल के झील पे चल रहे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं थोड़ा बहुत और उसके बाद चलते हैं झील की ओर।
लाइव फोटो हुआ पानी जम्मू कश्मीर इसे अलग अलग हाँ मैं इसका सूर्य भाई तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पैर और ढूंढ ले चुके जो कि देख सकते हैं पैर और ढूंढ चुके और हम लोग चलते हैं मजार बाबा के स्थान और वहाँ पे चलते हैं कपूर अगरबत्ती को जलाते हैं और कपूर अगरबत्ती जलाकर उसके बाद मिलते हैं। अभी हम लोग कपूर अगरबत्ती जो कि जला चुके हैं और यहाँ बाबा के स्थान से यहाँ से कपूर अगरबत्ती हम लोग जला के आ चुके हैं और यहाँ से अभी देखते हैं अगर कुछ खाना वगैरह खाते हो तो खाएंगे और नहीं तो वहाँ पे भाई लोग अपना है वहाँ पे और उसके बाद हम लोग यहाँ से अभी घर को जा रहे हैं तो यहाँ से अभी देखते हैं घर को जाते हैं और यहाँ के या रुकते हैं।